आप सभी लोग भी हम लोगों के बीच में हम लोग के मुख्य अतिथि राजेश मिश्रा जी बहुत कम मिनटों में हम लोग के बीच उपस्थित होने वाले हैं। माननीय मुख्य अतिथि जी का माला पहनाकर स्वागत करें भाई रामजी गुप्ता जी, जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित उपाध्यक्ष बड़े भाई डॉक्टर नारायण मूर्ति ओझा जी। विधानसभाओं में भी लोकसभाओं में भी आपके राहुल गांधी जी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से कैसे मुकाबला करेंगे? उनकी सरकार है केंद्र में भी राज्य में भी, और उनके पास वो कहते हैं कि हमारे पास बहुत नेता है, कांग्रेस के पास एक नेता है केवल प्रियंका गांधी। देखिए ऐसा है कि वो क्या कहते हैं उस पर मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन यदि आप तुलना करेंगे भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस पार्टी से तो आपको जमीन और आसमान का अंतर दिखाई पड़ेगा। 2014 से लेकर और आज तक आप ये नहीं कह पाएंगे कि प्रधानमंत्री ने या मुख्यमंत्री ने या इनके गृह मंत्री ने जो बात कही थी वो बात कहीं से जनता में पूरी की हो, कहीं से आप नहीं कह सकते। अभी कल कानपुर में मेट्रो का उद्घाटन था, प्रधानमंत्री जी मेट्रो के उद्घाटन में बोल रहे थे, तो उन्हें मेट्रो के बारे में बोलना चाहिए। और वो बोल रहे हैं जो कानपुर में रुपया पकड़ा गया है किस जैन के यहाँ ईडी ने पकड़ा है उसके बारे में जिक्र कर रहे थे। यदि प्रधानमंत्री जी को भ्रष्टाचार के बारे में बोलना है तो इस हिंदुस्तान से 12-13 बड़े बड़े उद्योगपति भाग के चले गए विदेश में, क्यों नहीं बोलते? अभी नीरव मोदी ने लंदन में 2 दिन पहले लंदन की कोर्ट में कहा है कि हमने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पैसा दिया, कुछ उसने संख्या भी बताई है 350-400 करोड़ की, और पैसा दिया और इन लोगों ने हमें भगाने में मदद की। इसी तरह सारे उद्योगपति भागे हैं, तो आप उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप बोलते हैं कानपुर की घटना पे, कानपुर की घटना पे मैं नहीं कहता मत बोलिए, बोलिए, लेकिन आपको ये कैसे पता कि वो पैसा किसका है? अभी ईडी इंक्वायरी करेगी, अभी जांच करेगा इनकम टैक्स, और जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी कि वो पैसा है किसका। और आप तो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के मुखिया पे इशारा करके बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री को इस तरह की बात शोभा नहीं देती। ये प्रधानमंत्री के शब्द नहीं हो सकते। यदि उन्हें बोलना था तो जो अडानी के ट्रक पकड़े गए थे गुजरात पोर्ट पे, उसमें जो है ड्रग था और पता नहीं कितने हजार करोड़ का वो ड्रग था, उस पर बोलते तब बात समझ में आती कि आप सारे भ्रष्टाचार पे बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री को ये शोभा नहीं देता। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, चुनाव में आप कितने छोटे स्तर पे उतर जा रहे हैं ये कल के इस भी से दिखाई पड़ा। प्रियंका जी ने एक वीडियो ट्वीट किया अमेठी का, एक दलित बच्ची से मारपीट हो रही, कानून कोई माफिया दिखाई नहीं पड़ता? हम तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आज माफियाओं की 2 गोल हो गई है। एक गोल वो है जो गोल भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगी, चाहे वो नहीं दे सकती, उनको जेल में भेजते हैं, उन पे बुलडोजर चलवा रहे हैं, उनके घर को गिरवा रहे हैं। और हर जनपद में ऐसे बड़े बड़े माफिया हैं जो आज आराम से इस सरकार के संरक्षण में फल फूल रहे हैं, अपने अपने जनपद, यदि जेल में है तो अपने जनपद के जेल में है, और जेल में नहीं है तो पोस्टर लग जा रहा है कि ये फरार हैं, 50,000 रुपये का इनाम है, और वो अपनी पत्नी को जिला पंचायत का चेयरमैन बनवा दे रहे हैं वहीं बैठ के। इस तरह के भी माफिया हैं, तो ये सरकार तो माफियाओं को संरक्षण दे रही है। माफिया इनके दिमाग में वो व्यक्ति माफिया है जो इनको वोट नहीं करेगा, जिसकी जमात इनको वोट नहीं करेगी वो माफिया है, और जिस माफिया की जमात इनको इनकी वोटर है, इनकी सपोर्टर है, वो इनके साथ खड़े हैं, उनको आराम से उनको सारा संरक्षण दे के उन्हें पाल पोस रहे हैं। कांग्रेस कैसे चुनाव में जाएगी 2022 के? आप हमारी इस बात से सहमत होंगे कि 1952 से उत्तर प्रदेश में चुनाव, हिंदुस्तान में चुनाव हो रहे हैं, और पहली बार किसी पार्टी और किसी पार्टी के नेता ने आधी आबादी की बात तो पूरे सारे दल के लोग करते थे, लेकिन आज तक किसी ने आधी आबादी के लिए कुछ किया नहीं था। और पहली हम तो बधाई देंगे आदरणीय प्रियंका गांधी जी को कि पहली बार उन्होंने जब कहा कि मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो ये चुनाव का नारा नहीं है बल्कि एक महिला एक बच्ची के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि मैं भी उस काम को कर सकती हूँ जिस काम को पुरुष कर सकता है। वो सम्मान वो स्वाभिमान जो महिला के अंदर आज तक था और कभी किसी ने उसे उजागर नहीं किया था, पहली बार प्रियंका गांधी जी ने उसे सड़कों पर ले दिया है कि मैं भी उस काम को कर सकती हूँ जिस काम को पुरुष कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। कितनी सीट देखिए,